नोएडा के भाऊराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने कृष्णानंद सागर की पुस्तक विभाजनकालीन भारत के साक्षी का विमोचन किया। इस दौरान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने विभाजन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय देश को जो पीड़ा हुई उसे भुलाया नहीं जा सकता है। ये पीड़ा तभी खत्म होगी जब विभाजन निरस्त होगा। साथ ही आरएसएस प्रमुख ने कहा कि दुनिया का भला करने के लिए हिंदू समाज को सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, हमें इतिहास पढ़ना चाहिए और सच को स्वीकार करना चाहिए। उनकी नदियां न बने इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय उपाय नहीं था, न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी, क्योंकि ऐसे सुख हो ही नहीं सकते। विभाजन की उत्पत्ति किस मानसिकता में, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, क्यों, तुम अलग हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमारा अलगाव है, एकता नहीं। और भारत नाम की प्रवृत्ति क्या कहती है, वो ये कहती है कि तुम अलग हो इसलिए तुमको अलग होने की आवश्यकता नहीं है, जितना तुम्हारा अलगाव है तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अपने अपने पास रखो,